CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। पृष्ठ संख्या 94। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। यह कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। पृष्ठ संख्या 95। प्रश्न अभ्यास। कविता से प्रश्न 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। प्रश्न 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी मां के बहुत करीब होते हैं, इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? कविता से आगे प्रश्न 1, तुम्हारी मां तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? प्रश्न 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर मां बच्चे को छलती है? प्रश्न 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में मां अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। अनुमान और कल्पना। 1, इस कविता के अंत में कवि मां से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। 2, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी मां का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है, वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। 3, मां अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर मां की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखो। पृष्ठ संख्या 96। भाषा की बात। 1, यहां दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? स्नेह, प्रेम, शांति, सन्नाटा, धूल, राख, ग्रह, गृह, निधन, निर्धन, समान, सामान। 2, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है, तुम ऐसे चार शब्दों के जोड़े सोच कर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। कुछ करने को। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से दो समूहों में रखें। क, एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं, ख, दूसरे समूह में वे
जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूह के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटा बने रहना चाहते हैं या क्यों बड़ा होना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।